अस्सलाम वालेकुम फैमिली फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हिना और दानिश की दुनिया। गेस व्हाट, आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ? आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा दो प्याज़ा। बहुत ही सिंपल और आसान सा रेसिपी है, झटपट बनने वाला, फटाफट बनने वाला रेसिपी है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम कैसे बनाते हैं उसको। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। बहुत ही ईजी रेसिपी है, तो लेट्स गो। तो अंडा दो प्याज़ा बनाने के लिए ये रहा हमारा इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए मैंने लिए हैं 6 अंडे बॉईल करके, और ये रहे हमारे मसाले। मसालों में मैंने लिया है 4 से 5 लौंग, 3 हरी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक का, 1 टुकड़ा सिनेमन का, 2 छोटे लहसुन, 1 कटोरी दही। फैट के लिया है, दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। 7 से 8 हरी मिर्ची, 1 टमाटर और 3 मीडियम साइज़ के प्याज। और जैसे कि आपको पता है मुझे आलू बहुत पसंद है, तो मैं आलू भी डालने वाली हूँ। ये टोटली जो है ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। पहले हम प्याज को कट करके लेंगे और ये मसालों को पीस लेंगे। अब सबसे पहले पैन में तेल डाल के गर्म करेंगे और ये प्याज जो है कटे हुए इसमें डाल देंगे। अच्छे से डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो ऑनियन है वो पूरा ब्राउन हो चुका है। इधर मैंने अंडों को भी अच्छे से फ्राई करके ले लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम अपने मसालों को डाल देंगे। ये मैंने पीस के ले लिया है, अब मसालों को अच्छे से डाल देंगे। मसालों को अच्छे से भूनेंगे और इसी टाइम पे इस पर नमक ऐड कर देंगे। ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना, मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर, इसको भी काट के ले लिया है मैंने, थोड़ा मोटा मोटा काट के लिया है। प्रॉपरली इसको कुक करेंगे मीडियम फ्लेम करके। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुक हो रहा है मीडियम फ्लेम पे। अब क्या करेंगे, फ्लेम तो वैसे ही स्लो है, अब इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट्स के अंदर ये पूरा जो है मसाला हमारा रेडी हो जाएगा। अब 10 से 15 मिनट हो गया है, हम इसको खोल के देखेंगे कि हमारा मसाला कहाँ तक पहुँचा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें तेल भी छूट गया है क्योंकि अंडा दो प्याज़ा है, तो इसमें थोड़ा मसाला जो है ये इस तरीके का रहेगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा आलू। जैसे मैंने आपको बताया मुझे आलू बहुत पसंद है, तो मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। अभी आलू जो है 80% कुक होने के बाद इसमें हम दही ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको वापस से जो है वो कवर कर देंगे। 10 मिनट्स में हमारा आलू भी रेडी हो जाएगा। हमारा आलू जो है अब रेडी हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारा दही था फेटा हुआ उसको ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। फास्ट कर देंगे फ्लेम और इसको चलाते जाएंगे। ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया है आलू का, कितना मस्त दिख रहा है, और इसका टेस्ट भी जो है वो भी लाजवाब आता है। इसको थोड़ा चलाते रहेंगे ताकि दही फटे ना और टेक्सचर जो है वो क्रीमी आए। अब थोड़ा चलाने के बाद इसको स्लो फ्लेम कर देंगे और 10 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ देंगे ये हम। अब हमारा आलू जो है वो भी रेडी हो गया है, प्रॉपरली कुक हो गया है। अब इसमें हम अंडा डालेंगे। ये जो फ्राई करके हमने अंडा रखा था वो अंडा ऐड कर देंगे अच्छे से। अंडा ऐड करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए दम पर रखेंगे और हमारा अंडा दो प्याज़ा जो है वो रेडी हो जाएगा। दम पे रखने से पहले इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे इसको। तो जब तक हमारा अंडा दो प्याज़ा रेडी होता है हम तब तक रोटी बना लेते हैं। तो आप बताइएगा मुझे ज़रूर कि मेरी रोटी कैसी बनी है। माशाल्लाह से मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बनी है, मेरी मम्मी को और सासू माँ को तो बहुत पसंद आती है। तो आप भी प्लीज़ बताइएगा कि मैंने रोटी कैसी बनाई है।
छोटी छोटी गोल गोल मैं रोटी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बनाती हूँ मैं। मैं ना आपको एक नंबर दे रही हूँ, 10 में से आप मुझे कितना मार्क्स देना चाहेंगे मेरे रोटी के लिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आउट ऑफ 10 आप लोगों ने मुझे कितने मार्क्स दिए हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारी रोटी कितनी फुली फुली भी हुई है, तो आप बताइए मुझे, मैं वेट करूंगी आप सभी के कमेंट्स का कि आप लोगों ने मुझे रोटी पे कितने मार्क्स दिए हैं। अब आप देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छे से प्रॉपरली कुक हो गया है माशाल्लाह से, इसमें ऑयल भी यहाँ पर छूट गया है अच्छे से। अब इसमें क्या करेंगे, धनिया पत्ती ऐड कर देंगे, तो हरी मिर्ची मैंने काट के ली है और थोड़ी सी धनिया पत्ती, इसको ऐसे मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको मिलाएंगे, 5 मिनट के लिए दम पे डालेंगे और हमारा अंडा करी रेडी हो जाएगा। और ये रहा हमारा अंडा दो प्याज़ा बनके रेडी है। अब मैं इसको रोटी के साथ खाने वाली हूँ, आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार, कितना लजीज दिख रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है ये, तो चलिए आ जाइए साथ में खाते हैं। बहुत ही कम मसालों में मैंने बनाया है, बहुत ही लाजवाब बनता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।